वीडियो शुरू करने से पहले रिमेनिंग 15 बंदे अलाइव है, 2 फिनिशर्स के सामने बंदा स्पॉट होता है। अरे यार क्या लगता है, बचूंगी, चिकन डिनर होगा, प्लेसमेंट पॉइंट क्या मिलने वाले हैं, बहुत सारी बातें। आप लोगों के इतने सारे सवाल, कभी तो गेम प्ले लेकर आ जाया करो। लगे हाथ देख लो। वीडियो शुरू करने से पहले ये देखो, पहले सामने ना हमारा ये एम था कि हम 2v2 स्प्लिट करके और होल्ड करें, लेकिन इनके नॉक करने की वजह से ना आना पड़ा मुझे। सामने बंदा स्पॉट होता है, 4 नंबर तो नॉक है, वो फिनिश होगा ही होगा क्योंकि बोनस चैलेंज है। ये देखिए, पहले इसको देखो। ये गलती इसलिए की है इसने कि आप कभी भी वॉल के पीछे ना, ब्रोकन वॉल के पीछे आपको क्राउच करके ही रहना है। अगर आप ओपन में जाओगे ना तो हेड कनेक्ट होगा ही होगा, और गलती से अगर गोली लग गई, और ये डीबीएस है भाई, डीबीएस वाले एक लाइक तो बनता है। खैर यहाँ पर आप जोन देख सकते हो। स्कूल और पोचिंकी में मुझे ऐसा लगता है, जोन प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा कभी भी सही नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा था स्कूल में बनेगा। लेट्स सी, आगे आते हैं ना, थोड़ा सा हम रोटेशन लेते हैं कि आप कोई अच्छी सी एक प्लेस ढूंढ करके थोड़ा सा और होल्ड करें, क्योंकि हमें जो है फाइट एंड जोन में लेनी थी और किल्स चोरी करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो किल्स मिल जाते हैं तो फिर मिल जाते हैं। मैंने कहा चलो भाई आज ना एक ग्रेनेड करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो मेरा ग्रेनेड कभी लगता नहीं। अब ये देखो, खाली ग्रेनेड देखो मेरा किस तरह से मैं थ्रो कर रही हूँ। ये देखो, अगर सामने प्रो होता ना मैं लॉबी में मिलती, लेकिन सिंड्रेला को एकदम ही नोब समझ लिया है। खैर अगर मैंने किल किया है ना तो दुनिया भाड़ में जाए, मैं उसको पहले फिनिश करूंगी, क्योंकि ये बोनस चैलेंज है, फिनिश भी आपको यूसी मिलती है। एक और एक बंदा है यहाँ पर, ये देखिए। अगर आप एक बोनस चैलेंज खेल रहे हो, अगर आपने कभी खेला है और आपकी किल चोरी होती है ना, इससे बड़ी दुख की बात, एक सेकेंड इसको पहले मैं, उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लूट करेंगे, क्योंकि लूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोक ले लो, ग्रेनेड ले लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंड सर्कल में क्या पता आपका लक अच्छा हो और आप लास्ट तक चले गए हो, तो आपको स्मोक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर सर्कल जो है ओपन में बन गया हो, जैसे ग्राउंड वगैरह में, फिर दिक्कत पड़ती है। घरों में बन गया हो या फिर अपार्ट्स में बन गया हो तो वो एक अलग बात होती है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 फर्स्ट एड किट है, मेड किट है। अब सामने बंदा स्पॉट होता है, यहाँ पर साउंड आती है पहले से, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर होल्ड भी करते हैं या उनकी जगह हम चोरी भी कर लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बंदा यहाँ नहीं है, इसके पीछे है। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, बीजीएमआई के सस्ते नशे देखना। अभी देखना, वो देखो 2 बार बंदा हवा में उड़ रहा है। ग्लिच किया है मैंने, कुछ नहीं किया भाई, मेरी गलती नहीं है। ये देखिए, अब आपके पास ऐसी सिचुएशन में अगर आप पड़े हो ना, आपके पास जितने थ्रोएबल्स है ना फेंक डालो। ये देखो, ये देखा ग्लिच, बैक करके देखो ग्लिच, वो ग्लिच, मेरी कोई गलती नहीं, बंदा मुझे स्पॉट हो गया तो मैं क्या करूँ। खैर बाकी मेरे जो टीममेट्स है ना, मुझे रैंडम मिले थे, ये मुझे सपोर्टर के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं इन्हें सपोर्ट कभी नहीं करती हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर और 2 नंबर और मैं, सामने मेरे ख्याल से ना 1 ही बंदा है या 2 बंदा है, एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने। पूरी स्मोक ही उसने तो वो कर दी कि यहाँ से निकल जाएगा। लो भाई 3 नंबर गया। अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी। अब आप कहोगे मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, वो मर चुका है ना, अब कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा अपने कदम पीछे हटा लो, क्या पता आप भी चले जाओ, समझ रहे हो। और वैसे भी मुझे रिकॉर्ड करना था, जब कभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मेरा यही हाल होता है, मैं ये सोचती है फाइट्स अवॉइड करूँ। और जब मैं ओपनली खेलती हूँ, बोनस चैलेंज की बात करूँ ना, एक सेकेंड, ये 2 नंबर नहीं सुधरने वाला है। खैर हम ना थोड़ी सी एक ट्रिक बताती हूँ आपको, थोड़ी सी एमओ लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर की पेटी बनने वाली है। लेट्स सी, वहाँ पर 2 बंदे ऑलरेडी हैं। मेरा ये ओपिनियन था कि हम यहाँ से निकलते हैं, फाइट्स अवॉइड करते हैं, बट मुझे लगता है कि 2 नंबर प्रो प्लेयर है, तो वेट करते हैं थोड़ा देर। अगर वो भाई, मैं उसको बचा नहीं पाऊंगी, मैंने पहले बोल दिया। मैं नहीं, मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा तो मैं ऊपर तक जाऊंगी, ये है ना, और ऐसे जाऊंगी तो मैं डायरेक्टली मारी जाऊंगी। मुझे सच में बहुत डर लगता है, जहां मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी ना वहां फिर मेरे को डर लगता ही लगता है कि मैं अब ये मरने वाली हूँ। तो मैंने बात की कि हमने कहा कि छोड़ो यार ये फाइट्स, जोन भी आ रहा है, यहाँ से निकलते हैं, और गाड़ी वगैरह अपने पास है नहीं, एंड सर्कल में गाड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ से बात करके निकल जाते हैं। मुझे बंदा ना सामने से, मुझे साउंड आती है। अब एंड सर्कल पहुंच करके ना एक चीज का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है ना, वो ये होता है कि आपको किल चोरी करने का मौका मिल जाता है। अब ये ग्राउंड काफी ओपन है और यहाँ पर अगर आप फायर कर दोगे ना तो आपकी लोकेशन रिवील हो जाएगी, तो इस केस में ना आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और हम जो है, आपको पता है ग्राउंड में नीचे हैं, तो अगर वहां पर कोई होगा तो उसके पास ज्यादा अच्छी प्लेस होगी हमें ढूंढने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं ये देखिए सामने बंदा स्पॉट हुआ, भाई साहब एक लाइक ना इस पे अभी देखो खाली क्यों मतलब यार मैं अपनी तारीफ करूं कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ये 2 किल्स तो मुझे फ्री में मिल चुकी है। चलो भाई किल के पॉइंट्स भी मिल गए मुझे। अब यहाँ पर वो दोनों तो जा चुके हैं मतलब वो एरिया में अगर वो हैं तो वो एरिया खाली है क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर काफी दूसरी टीम तो होगी नहीं तो वो मैंने वहाँ से क्लियर कर लिया। अब वो हमारे को ये वाली लोकेशन ना इजीली मिल गई है। अब बेहतर यही है कि रिमेनिंग 13 प्लेयर्स बचे हैं फिनिशेस 4 हैं और अलाइव हमारी टीम में सिर्फ एक बंदा है 2 नंबर। तो हम चलते हैं अभी साफ यहाँ पर। अब यहाँ पर एक अच्छा मौका है किल्स चोरी करने का तो जहाँ जहाँ बंदे स्पॉट है। लेकिन एक चीज़ याद रखो अगर आप ओपन में हो फिर किल चोरी करने जाओगे तो सारे बंदों की लोकेशन आप पर ही पड़ेगी। लेकिन इस बात पर ना एक लाइक बनता है। अभी मुझे यहाँ पर देखो किस तरह से मैं किल चोरी करती हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे ना स्मोक करता हुआ दिखाया मतलब बंदा है यहाँ पर ये देखो मतलब फिर से चोरी कर ली मैंने किल। और ये जो बंदे मर रहे हैं ना ये खुशी सिर्फ बोनस चैलेंज वालों को ही पता है कि अभी 8 बंदे हमें 2 छोड़ करके 6 बंदे और बचे हैं। तो अब हमें ऐसी उम्मीद जाग रही है कि शायद चिकन डिनर हो जाए शायद। लेकिन गलती जो मैं करती हूँ ना ये गलती मेरी गलती होती है। अभी देखना ये बंदा स्पॉट हुआ यहाँ पर बंदे हैं और हमें हमेशा यही करना चाहिए। सिंड्रेला ये गलती नहीं है ये लालच है किल चोरी करने की। अब तो तुम यहाँ से गई ही गई क्योंकि तुमने ओपन में उनको चैलेंज दे दिया। वो पूरा स्कोप इन करके आपके ऊपर ही बैठे हैं लेकिन मैं यहाँ पर बच गई बस पेड़ के पीछे चली जाऊँ। ओके अरे यार मिस हो गई। ओके कोई ना यहाँ पर ओ भाई साहब बंदा चिकन डिनर कर लिया। #2 आ चुकी हूँ मैं भाई साहब नॉट बैड 2 कार्ड वाला मैं खेल रही थी। #2 हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2nd प्लेसमेंट हमें मिल चुकी है। अब मैं आपको पॉइंटिंग सिस्टम समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो टोटल रेटिंग हमें 500 मिली है जिसमें से रैंकिंग पॉइंट्स 350 है जो कि हम प्लेसमेंट पॉइंट कहते हैं। फिनिशेस हमें 150 के मिले और कुल मिलाकर के 500 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं। अब मैं आपको ना कुछ चीजें हैं बोनस चैलेंज की जो मैं आपको बताती हूँ शायद अगर आप खेलोगे तो आपके लिए इजी आसान होगा। बोनस चैलेंज में आप गेम खेल करके यूसी अर्न करते हो अपने स्किल के बेस पर। ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखो उसके लिए बोनस चैलेंज के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए बोनस चैलेंज वाउचर जो कि आपको 10 यूसी में 1 वाउचर मिलता है। आप 1 वाउचर वाला भी खेल सकते हो 2 वाउचर वाला भी खेल सकते हो और 3 वाउचर वाला भी खेल सकते हो। मोस्टली मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी 1 वाउचर वाला खेलो या फिर आप 2 वाला। लेकिन जितने चाहे वाउचर आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो यूसी लगा करके। अगर आपके पास ये वाउचर नहीं है तो फ्री में आप बहुत सारे प्ले स्टोर की टिप्स एंड ट्रिक्स में बताते रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहां से जाकर के आप यूसी अर्न करो और आकर के बोनस चैलेंज पार्टिसिपेट कर लो। मैप की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इरेंगल है। अगर TDM नेक्स्ट अगर ऐड होता है आगे चल के ऐड होगा तो आप TDM में ज्यादा अच्छी किल्स कर सकते हो। TDM में थोड़ा इजी पड़ जाता है और जल्दी गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको 10 यूसी का 20 यूसी का 30 यूसी का मिल जाएगा। मैं रिकमेंड ये करूंगी कि आप 10 यूसी का खेलो 20 यूसी का भी खेलो लेकिन 30 यूसी का अवॉइड करो क्योंकि उसमें हैकर्स भरे पड़े रहेंगे। 10 यूसी वाले में हैकर नहीं आते उनको चिंतागिरी लगती है कि यार 10 यूसी में कितनी यूसी मिल जाएगी तो समझ लो वो अवॉइड करते हैं। तो हम उसका फायदा उठा करके 10 यूसी वाला खेल सकते हैं। हर एक यहाँ पर कार्ड वाले में आपको पॉइंट्स अलग अलग मिलते हैं। अब यहाँ पर स्क्वाड का ही अवेलेबल है। अगर सोलो होता तो मैं रिकमेंड करती कि सोलो ही खेलो क्योंकि सोलो में ना काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं और वो थोड़ा सा सही लगता है मुझे सोलो में। अच्छा जी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना अगर अभी आपको बोनस चैलेंज अनअवेलेबल शो कर रहा है तो सिंपली ये फ्राइडे सैटरडे संडे आता है उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे संडे आता है। तो अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे को देख रहे हो तो आप वेट करो नेक्स्ट फ्राइडे का ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी पॉइंट्स जितना ये बैटल पॉइंट्स जीतते हो ना यहाँ से आकर के बोनस चैलेंज से यूसी रिडीम कर सकते हो। 1000 पे 100 यूसी 2000 पे 200 यूसी 2500 कॉइन्स पे 250 यूसी और 5000 पर 500 यूसी। इसके बाद आपका फिर थोड़े दिन बाद ये बोनस चैलेंज हट जाएगा उसके बाद फिर से आएगा फिर से आप इसमें यूसी लगाओ और जो है बोनस चैलेंज खेलो और यूसी रिडीम करो। तो ये था बोनस चैलेंज की चीजें यहाँ से आकर के आप रिडीम कर सकते हो। बाय द वे बोनस चैलेंज यहाँ पर आने के बाद ना नीचे देखोगे रिडीम रिवॉर्ड पर तो मेरे पास 500 कॉइन जो जस्ट मैं अभी विन करी हूँ वो वही शो कर रहे हैं। अच्छा मान लो आपने 10 यूसी वाला खेला है ठीक है। 10 यूसी में क्या होता है कि अगर आपने एक किल किया 10 यूसी वाला वाउचर खरीद करके 1 कार्ड वाला अगर आप खेलते हो तो अगर आप 1 किल करते हो तो आपको 15 बैटल पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप चिकन डिनर करते हो तो 200 और सेकंड प्लेस आते हो तो आपको 170 और थर्ड प्लेस पे 150, फोर्थ पे 130, फिफ्थ पे 110 और इस तरीके से आपको प्लेसमेंट पॉइंट मिल जाते हैं। और बोनस चैलेंज मतलब प्लेसमेंट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप किल्स कर देते हो तो फिनिशेस पॉइंट तो ठीक है बट प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अर्ली फाइट्स जो होती है ना वो अवॉइड किया करिए। अर्ली में आप जो है थोड़ा सा घर, छोटे छोटे जो घर होते हैं उसको लूट करके आप होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 30 वाला। 30 वाले में तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप एक किल करते हो तो आपको 45 पॉइंट्स मिल जाते हैं फिनिशेस के। और रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ जो कि प्लेसमेंट पॉइंट होता है वो आपको उससे ज्यादा मिलता है। तो हर एक जो यहाँ पर कार्ड्स के है ना उसके हर एक के जो पॉइंट्स होते हैं चाहे वो प्लेसमेंट पॉइंट हो चाहे वो फिनिशेस पॉइंट हो डिफरेंट होते हैं। जितना बड़ा कार्ड, जितना 3 कार्ड का है तो उससे एक्स्ट्रा होता है। जैसे ये वाला आपको 2 कार्ड का मिल जाएगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें अगर आप चिकन डिनर करते हो ना तो आपको 450 मिलता है, जितने भी बंदे आप खेल रहे हो ना सबको 450 मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है बोनस चैलेंज खेल करके काफी सारी यूसी अर्न कर सकते हो। दूसरी चीज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत बार क्या होता है कि लोग डरते हैं कि हम ये हॉट ड्रॉप पे नहीं जाएंगे। लाइक अपार्ट्स अभी के लिए अगर मान के चलो तो अपार्ट्स एक हॉट ड्रॉप है। अब लोगों को लगता है वहां पर बहुत बंदे आएंगे बट एक्चुअल में अगर आप जाओगे ना तो समटाइम्स वो पूरा खाली रहता है, लूट करता ही नहीं है कोई वहां पर, क्योंकि सबको लगता है कि कोई और स्क्वाड वहां पर आ रही है या फिर कोई और ऐसे आ रहा है तो हम ना जाए करके। तो मोस्टली बोनस चैलेंज में लोग छोटे छोटे जो हाउसेज होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं ना, एरियाज होते हैं, वही लूट करते हैं इस तरीके से। अच्छा बाय द वे अभी नेक्स्ट अल्टीमेट रॉयल आ रहा है, वो बोनस चैलेंज का दूसरा भाई है तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी उसके बारे में, अल्टीमेट रॉयल के बारे में, वो भी मजे का है। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एकदम डिटेल वीडियो बनाऊं, लाइक किस तरह से कहाँ जंप करना चाहिए, कहाँ होल्ड करना चाहिए, अर्ली फाइट्स अवॉइड करनी चाहिए या फिर नहीं, जोन प्रेडिक्शन हो गया, लूट हो गई, कौन सी गन यूज करना चाहिए मोस्टली। और यहाँ पर आप देखो मेरा कैरियर रिजल्ट आप देख सकते हो, मैं बहुत बार मरी भी हूँ, मैं खेलती हूँ बोनस चैलेंज, मुझे अच्छा लगता है। और यही था इस वीडियो में, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। बाय द वे अब ये बोनस चैलेंज की वीडियो है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो है नहीं तो ज्यादा लोग ये इंटरेस्टेड होंगे नहीं देखने के लिए। उन कम लोगों में अगर आप आते हो तो रियली वेरी वेरी थैंक यू। लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ना एक हार्ट है ये रेड कलर का, आपको कमेंट सेक्शन में 2 सेंड करना है ना, एक ही मैसेज में, एक ही कमेंट में 2 हार्ट चाहिए, ठीक है, एक ही कमेंट में। तो मैं समझूंगी कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो बोनस चैलेंज से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स उस पर लेकर आ जाऊंगी, देखूंगी पहले अगर आपको अच्छे लगते नहीं। आप बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे यार कि यार सिंड्रेला बोनस चैलेंज के ऊपर, लाइक बोनस चैलेंज के ऊपर नहीं, गेम प्ले के ऊपर वीडियोज लेकर आओ। तो आपकी बात मान करके लेके अब आप मेरी बात मानिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है ना यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। टेक केयर।